मालवा मील एवं आस्था टॉकीज पर लगने वाले जाम को खत्म करने के लिए यातायात विभाग यहां पोर्टेबल सिग्नल के साथ कर्मचारियों की टीम लगाने की पहल करने वाला है। आपको बता दें कि शाम होते होते यहां पर ट्रैफिक का रिंगने लगता है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें मालवा मील और आस्था टॉकीज चौराहे की हैं। दिन के 1:30 बजे की हैं, जहां दोपहर होने के बावजूद यातायात के कम दबाव के बाद भी वाहन आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। आप ये सोचें, जब दोपहर के वक्त यहाँ ये आलम है तो शाम के 6 से 9 के बीच क्या हालत होती होगी। दरअसल दोनों चौराहों पर अतिक्रमण की वजह से यातायात का बंटा ढार हुआ पड़ा है। पिछली बारिश के वक्त भी इन्हीं चौराहों की तस्वीरें मीडिया में छाई रही। यही वजह है कि इस बार अधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों चौराहों पर ऐसी व्यवस्था की जाए कि अतिक्रमण के बावजूद यहाँ से वाहनों का आवागमन सुचारू रूप से हो सके। उमाकांत चौधरी के मुताबिक दोनों चौराहों पर सिग्नल लगाने की योजना है, लेकिन इसके पहले पोर्टेबल सिग्नल लगाकर इसे चलाकर नतीजे देखेंगे। वहीं निगम के साथ मिलकर इन दोनों चौराहों का निरीक्षण भी किया जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग मालवा में जो चौराहा है, चौराहा तो नहीं, उसमें 5 रास्ते हैं, तो वो मालवा में एक ऐसा स्थान हो गया जहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव देखा जाता है, क्योंकि एवी रोड से जो लोग भी जाना चाहते हैं उससे बच के, अगर उस सारे सिग्नलों से बच के जाना चाहते हैं तो मालवा मिल पाटनीपुरा रसोमा का रास्ता लेते हैं, और उसमें कई सारे अतिक्रमण की भी वहाँ समस्या है, साथ में वहाँ जो सिग्नल नहीं होने से भी वो समस्या जा रही है। तो हमने नगर निगम के अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की है, प्रस्ताव भी भेजे हैं, और आने वाले समय में बहुत जल्दी हम लोग पोर्टेबल सिग्नल मालवा मिल चौराहे पर स्थापित करके वहाँ के ट्रैफिक में सुधार करने जा रहे हैं। आस्था टाकीज पे भी हमने इसी तरीके से पोर्टेबल सिग्नल के संबंध में प्रस्ताव दिया है, और मालवा मिल आस्था टाकीज दोनों पे ही इसी रूट पे अब हम लोग अपना टारगेट करेंगे। हालांकि इन दोनों चौराहों पर यदि सिग्नल लगता है तो ये मध्य मार्ग उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जो सिग्नल से बचने के लिए इस मार्ग का उपयोग करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।